रीवा में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस द्वारा विवेकानंद पार्क में सिलेंडर गरबा नृत्य कर सिलेंडर के बड़े दामों का विरोध पूरी ताकत के साथ किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा नेता स्मृति ईरानी और मोदी जी कहा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब सिलेंडर मात्र ₹414 का मिला करता था, आज 1100 हो जाने पर इनके मुँह से महंगाई की मार नहीं निकलता है। उन्होंने कहा था कि जब सिलेंडर महंगा हो जाए तो आप सब सिलेंडर की पूजा कर प्रणाम करके घर से निकला करिए। आज महिलाएं सिलेंडर और चूल्हा लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई की मां सुनने के लिए हम सब तरस रहे हैं। किराना की सारी वस्तुएं में भीषण महंगाई है। आजादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार इतनी महंगाई है। महिलाओं को घर की रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रही है। लोग चूल्हे में खाना बना रहे हैं, चावल दाल सब्जी ना तेल डीजल पेट्रोल सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी हतप्रभ है कि अब क्या करें। मोदी सरकार हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रही है, देश के आम आदमी की समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज सैकड़ों महिलाओं ने खाली सिलेंडर चूल्हा और महंगे खाद्य पदार्थों को लेकर सिलेंडर गरबा कर थैंक यू मोदी जी कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे, सिलेंडर के दामों में आपने भारत को विश्वगुरु बना दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश की महिलाओं ने कहा थैंक यू मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको विदेश जाना पड़ता है, दिन में कई कई बार बदल बदल कर नए नए कपड़े सोने एवं हीरे से जड़े हुए पहनने पड़ते हैं, उसके लिए देशवासियों को महंगा सिलेंडर तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आप हमारी आन बान और शान है। सिलेंडर गरबा नृत्य में कविता पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बबीता साकेत, सीमा सिंह, जिला अध्यक्ष रीवा तारा त्रिपाठी, शहर अध्यक्ष अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रभा सोहगौरा, विजय लक्ष्मी मिश्रा, पार्षद सुभिया खान, नीलू पाठक, गोदावरी पाठक, सरस्वती साकेत सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।